आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। जिस तरह से ईडब्ल्यूएस के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, इस जजमेंट का विश्लेषण करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर सुखदेव थराद सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जब 1991 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और पीवी नरसिम्हा राव पीएम थे, तब इन्होंने 10% आरक्षण देने का एक प्रस्ताव पारित किया था आर्थिक आधार पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 9 जज की बेंच ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इसके बाद फिर से अब 3 साल पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10% आरक्षण की अमेंडमेंट किया और उसे जब चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सारे पिटिशंस को इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 जजों की बेंच थी इस बार, इस बेंच ने इस आरक्षण को वैध करार दिया, जिससे कई सवाल उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि भारत के संविधान में कहीं भी आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है। जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उन्हें समानता के अवसर प्रदान करने के लिए आरक्षण दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का क्या होगा असर, और सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को जो हमारे इंटेलेक्चुअल सर किस तरह से देखते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर सुखदेव थराद सर है। सर, आप किस तरह से इस समूचे जजमेंट का एनालिसिस करेंगे कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिड करार दिया है? थैंक यू आवाज टीवी का कि इस विषय महत्वपूर्ण विषय पे आपने चर्चा रखी है। ये जो रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है, जैसा आपने कहा कि इसकी हिस्ट्री पहले से है, अभी जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है 103 अमेंडमेंट के तहत, सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारी पिटीशन आई थी, तो मेरा ख्याल है उन्होंने ये किया कि सारी पिटीशन को इकट्ठा करके उसमें जो इश्यूज रेज किए गए थे उसमें उन्होंने उसको 4 हिस्सों में, 4 इशू में उनको उसने रखा। पहला इशू ये था कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देने से कोई घटना के बेसिक स्ट्रक्चर में तो बदल नहीं आ रहा है, उसके अगेंस्ट में तो नहीं है, या दूसरा मतलब इसका यह है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन देना सही है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि इसमें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी जिनको ऑलरेडी रिजर्वेशन है उसको भी इसमें 10% में हिस्सा दे या नहीं। यूपीडब्ल्यू का रिजर्वेशन 10% का है, उसके लिए 800,000 की लिमिटेशन है, तो उसमें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी को हिस्सा देना कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही रहेगा नहीं। तीसरा, उन्होंने किया कि जो प्राइवेट एडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उसमें ईपीडब्ल्यू को ईडब्ल्यूएस को हिस्सा होना चाहिए नहीं। और चौथा, उन्होंने जो सवाल, अहम सवाल जिसके ऊपर निर्णय दिया है, वो ये है कि 10% ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन देने की वजह से जो लिमिटेशन है वो 50% क्रॉस हो जाती है, जिसकी सीलिंग पहले की डिसीजन की है। तो इन चारों हिस्सों पे उन्होंने अलग अलग से अपना निर्णय दिया है। संक्षिप्त में मैं बताऊं कि चारों मुद्दों पे उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कोई उसको वो वायलेट नहीं होता, इसलिए उन्होंने ये कहा कि ये रिजर्वेशन सही है। दूसरा, ये कहा कि प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दिया जा सकता है ईडब्ल्यूएस सेक्शन को। तीसरा, कहा कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी को इसको हिस्सा देना ठीक नहीं रहेगा, वो घटना के खिलाफ जाएगा या वो डुप्लीकेशन होगा। और चौथा, उन्होंने कहा कि 10% देने से 50% यदि सीलिंग लिमिट हो बढ़ रही है तो वो भी घटना को वायलेट नहीं करती है। तो इसमें मैं पहला सवाल लेता हूँ जो आपने कहा है कि ये जस्टिफाइबल है क्या, तो उन्होंने ये कहा है, उसका जो बिल्कुल प्रिसाइज जो डिसीजन है वो ये है कि उनका कहना है कि रिजर्वेशन जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो घटना में इगेलिटेरियन और समता लाने का जो प्रयास है उसको ये प्रमोट करता है, और इनइक्वालिटी जो है, कास्ट इनइक्वालिटी जो है उसको वो ये कम करता है।
तो ये जो घटना का ऑब्जेक्टिव है, इनइक्वालिटी को कम करके इक्वालिटी की तरफ समाज को ले जाना, इससे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पूरा करता है या उसमें मदद करता है, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देने की वजह से जो गरीब तबका है, हाई कास्ट का पर्टिकुलरली, अदर देन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी, उनको शेयर देने की वजह से होने से इक्वेलिटी के तरफ मूव रहेगा, इसलिए जस्टिफाइबल है। उसी तरह उन्होंने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को एक्सक्लूड करने का समर्थन किया है, वो इसलिए कि उनका ये कहना है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को हमने 10% में दिया तो ये डुप्लीकेशन होगा, इसलिए उन्होंने उसका सपोर्ट किया नहीं। जहाँ तक प्राइवेट अनएडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन देने का सवाल है, वो उन्होंने इस तरह से स्पष्ट किया कि ऑलरेडी 15(5) आर्टिकल में उस तरह की प्रोविजन है। 2008 में जो अमेंडमेंट हुई उसमें वो प्रोविजन है कि प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशन को, इस इंस्टीट्यूशन में भी रिजर्वेशन आता है। लेकिन सबसे ताजुब की बात है कि 2008 में आया, अब तक सरकार ने कोई लॉ इम्प्लीमेंट नहीं किया। वो लॉ के थ्रू आएगा, ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए वो अब ऑटोमेटिकली आ रहा है। जहाँ तक एज का सवाल है, सीलिंग का सवाल है 50 का, उन्होंने ये कहा है कि 50% की लिमिट जो है वो एस सी एस टी ओबीसी को है। इकोनॉमी के लिए वीकर सेक्शन ये अलग से है, ये स्टैंड अलोन है, तो उसका 10% अलग से काउंट करना चाहिए। वो अलग से यदि काउंट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो 50% के ऊपर से जाता नहीं है। तो ये संक्षिप्त में हम बताएं तो इस तरह का जो निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए दिया है, वो पूरी पूरी चारों इशू को उन्होंने एक तरीके से सपोर्ट किया और जस्टिफाई किया ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को। लेकिन जिस तरह से ये रिजर्वेशन को उन्होंने अपहेल्ड किया है, वैलिड करार दिया है, और 50% की जो सीलिंग थी उससे हटके कहा है कि 10% अलग से रहेगा, लेकिन इसका जो असर है एस सी एस टी ओ बी सी जिनको 50% की सीलिंग है उन पर क्या होगा? और एक सवाल ये है कि क्या ये रिजर्वेशन वैलिड है? इस तरह से गवर्नमेंट दे सकती है, सुप्रीम कोर्ट भी इसे अपहेल्ड कर सकती है, क्योंकि ये तो 5 जजेस की बेंच है, वो तो 9 जजेस की बेंच ने ऑलरेडी खारिज कर दिया था। जहाँ तक इस ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का असर जो है वो शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के रिजर्वेशन पे क्या होगा, ये मेरा ख्याल है महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें मैं 2-3 मुद्दों पे बात करना चाहूँगा कि लोगों ने ये समझ लेना चाहिए। पहली बात यह है कि ये निर्णय जो है ये यूनानिमस नहीं है, ये 3-2 है। उसमें से जिन्होंने विरोध किया है उसमें से दो जज है, उसमें से एक पर्टिकुलर जज है जिन्होंने ये कहा कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को इस 10% से एक्सक्लूड करना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, क्योंकि उनको आप इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हो, उनको आप एक्सक्लूड कर रहे हो। तो वो घटना में जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन की जो प्रोविजन है उसको आप वायलेट कर रहे हो। जहाँ तक हमारी पर्सनल समझ ये है, जिसमें मुझे ये लगता है कि जहाँ तक शेड्यूल का शेड्यूल टाइप का रिजर्वेशन है, उसमें हम जो रिजर्वेशन दे रहे हैं वो 16% और 8% के बेसिस से दे रहे हैं, लेकिन हम वेरियस इंडिकेटर ले ले, डिप्रिवेशन की या डेवलपमेंट की इंडिकेटर ले ले, उसमें शेड्यूल का शेड्यूल टाइप का प्रपोर्ट शेयर जो है वो 16% और 8% से ज्यादा है। अब समझ लीजिए यदि आप इलिटरेट ले ले इस कंट्री में, तो शेड्यूल कास्ट का शेयर लगभग 25% है, ट्राइबल का शेयर जो इलिटरेट में शेयर जो है 12% है। इसका मतलब यह है कि शेड्यूल कास्ट का शेयर इलिटरेट में 25% है। उसी तरह आप गरीब में गरीबों में टोटल गरीब ले लीजिए कंट्रीज के, और उसमें शेड्यूल कास्ट का शेयर देख लीजिए तो वो 25% है, शेड्यूल ट्राइब का भी 12% है। बाकी सारे और भी इंडिकेटर आप लेंगे, जैसे कि कंट्रीज में लोग स्लम में जो रहते हैं तो उसका कितना शेयर शेड्यूल कास्ट का है सब में रहने का, वो भी 25% के ऊपर है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी इंडिकेटर आप उठा के देख लीजिए, द शेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब इज मोर देन देयर शेयर ऑफ पॉपुलेशन।
25% है लगभग, लेकिन आप रिजर्वेशन के थ्रू 16% दे रहे हो, मतलब लगभग 10% जो है कम दे रहे हो। तो मेरा अपना ये कहना है कि इनको EWS रिजर्वेशन में इंक्लूड करना चाहिए था, जिसके वजह से ये होता कि जो बॉटम 10% है उसको उसका फायदा होता। तो बॉटम 10% उसमें कवर हो जाते, 16% कास्ट रिजर्वेशन में कवर हो जाते, कुल मिला के 25% मिलता, तो उनके सारे डिप्राइवेट कवर हो जाते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उनको एक्सक्लूड करना और शामिल नहीं करना ये गलत बात है, और जस्ट तो कह ही रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ है। एक ये मुद्दा है। दूसरा शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड जो मुद्दा है वो ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन की रिजर्वेशन की जो बात आई है, और पहले की 2008 में की है, अब तक सरकार ने 14 साल हो गए, अब तक सरकार ने कायदा उसके बारे में लागू नहीं किया। तो इसके वजह से उसका ये और EWS को आप एकदम से लागू कर रहे हैं, वो शेड्यूल कास्ट को नहीं कर रहे हो, तो वो ये एक तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन है। लेकिन अमन कांबड़े, ये जो इसमें सबसे गंभीर बात है जो मैं बताऊँ वो ये है कि वर्डिक्ट तो ये है जो मैंने आप चार की बताई, लेकिन इसके अलावा कुछ जज ने ऑब्जर्वेशन दिए है। वो ऑब्जर्वेशन बड़े अहम है। पार्टी वाला जो है एक जज, उन्होंने कमेंट की है, वो कमेंट ऐसी है, उन्होंने क्या किया है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि रिजर्वेशन ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, माध्यम है, जिसके थ्रू आप इक्वालिटी की तरफ ग्रुप को ले रहे हो। तो ये इसका मतलब ये कर रहे हैं कि EWS का रिजर्वेशन भी इक्वालिटी प्रमोट करता है। तो इसका मतलब यह है कि आप शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब का जो रिजर्वेशन है उसको आधार मान के, उसका सहारा लेके आप EWS रिजर्वेशन को जस्टिफाई कर रहे हैं। लेकिन इसमें सिमिलरिटी है, क्योंकि वो जो मेथड है वो सरीकी है। यहाँ पर भी आप कोटा दे रहे हो, ईयर मार्क कर रहे हो गरीबों के लिए, उधर भी शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के लिए भी, ओबीसी के लिए भी पॉपुलेशन हिसाब से ईयर मार्किंग होती है, कोटा होता है, तो ये तो सिमिलरिटी है। लेकिन डिफरेंसेस को जो है वो उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। वो डिफरेंस ये है कि शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन जो है वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बेसिस के ऊपर बनाया गया है, अनटचेबिलिटी बेस डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, जिससे आपको इक्वल राइट डिनाई किए जा रहे हैं, प्रॉपर्टी का नहीं, एजुकेशन का नहीं, एम्प्लॉयमेंट का नहीं। तो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन अनटचेबिलिटी इज द फाउंडेशन, इज द रीजन फॉर द रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी, पर्टिकुलरली शेड्यूल कास्ट एंड ओबीसी। और जहां तक EWS का आधार है, वो आधार इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, कि उनके पास इकोनॉमिक कैपेबिलिटी नहीं है, जमीन नहीं है, पैसा नहीं है, वो आधार अलग है। और जो कास्ट का आधार है वो परमानेंट है, हेरिडेटरी है, और ये जो है ये लगातार चेंज होने वाला है इकोनॉमिक आधार। तो इसमें आप जहां डिफरेंसेस होने के बावजूद भी आप उसमें उसका सहारा लेके आप EWS का रिजर्वेशन दे रहे हो। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि एक जज ने इसको, इस आर्गुमेंट को आगे बढ़ाया है। उन्होंने ये कहा है, और बड़े साफ तरीके से कहा है, वो ये कहा है उन्होंने कि ये जो रिजर्वेशन इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर दिया जा रहा है, ये एक अब फ्यूचर के लिए एक मार्ग खुला हो गया कि हम कास्ट बेस रिजर्वेशन को इकोनॉमिक बेस रिजर्वेशन में रिप्लेस कर रहे। राइट, ये हो गया, और धीरे धीरे हम कास्ट बेस रिजर्वेशन जो अच्छा नहीं है उसको हम रिप्लेस करके इकोनॉमिक इस पे आएंगे। अब बताइए, ये जो है इसका मतलब ये है कि EWS रिजर्वेशन का फायदा शेड्यूल कास्ट को एक तरीके से उनका रिजर्वेशन निकालने के लिए कोशिश की जा रही है कास्ट बेस उसका। तो इसके बारे में मेरी अपनी ये राय है कि भाई ये जो डिफरेंसेस है समझ लेना चाहिए। डिफरेंसेस जैसा मैंने कहा कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का कास्ट बेस है, उनका जो है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस पे है EWS का, और कास्ट जो है ये परमानेंट है, हेरिडिटरी है, ये रहती है। अभी 1995 से लेके 2015 तक 2.5 लाख एट्रोसिटी केसेस रजिस्टर की दलितों ने, जो 14,000 केसेस बन जाती है एनुअली। तो डिस्क्रिमिनेशन तो है, बहुत सालों तक नहीं जाएगा, 70 साल में नहीं गया, अनटचेबिलिटी एक्ट होने के बावजूद भी जो 1955 में हुआ है। तो ये कहना कि कास्ट का बेस हम रिप्लेस करेंगे, ये बिल्कुल सारा गलत बात है।
और उसका रीजन ये और भी है कि भाई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज न्यूट्रल टू योर इकोनॉमिक स्टैंडिंग, इसका मतलब ये है वो तटस्थ है, इसका मतलब ये है कि शेड्यूल कास्ट गरीब हो, कम इनकम वाला हो या ज्यादा इनकम वाला हो, दोनों का डिस्क्रिमिनेशन होता है। डिस्क्रिमिनेशन इनकम बेस्ड नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन जाति बेस्ड है। तो इसको इकोनॉमिक क्राइटेरिया से इंटरप्रेट करना वो सही नहीं होगा। मैंने जो काम किया, मैंने देखा है कि प्राइवेट सेक्टर में जो लोग पोजीशन ऊपर वाली पोजीशन में है उनका डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा हो रहा है इसके कंपैरिजन में, मतलब जिनकी लोअर जॉब है। तो डिस्क्रिमिनेशन तो इरेस्पेक्टिव ऑफ इनकम होता है, तो उनको लीगल सेफगार्ड चाहिए, फेयर शेयर मिलने के लिए रिजर्वेशन जरूरी है। हाँ, एक बात मैं ये कहूंगा कि जो शेड्यूल कास्ट के इकोनॉमिकली बेटर ऑफ तबके है उसको आप इकोनॉमिक कंसेशन मत दो, फी वेवर मत दो, सब्सिडी मत दो, किसी में आप कंसेशन राहत मत दो, लेकिन ये मत कहो कि उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि रिजर्वेशन का आधार ही डिस्क्रिमिनेशन है और वो डिस्क्रिमिनेटिव होते हैं एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, लेजिस्लेशन, पब्लिक हाउस में, तो उनको आपको रिजर्वेशन देना होगा। तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत इसका बुरा असर इस डिसीजन की वजह से हो रहा है। हालांकि मैं आपको ये बताऊं कि ये जरूरत नहीं थी, चार सवालों के बाहर का ये इशू है, लेकिन जज ने डेलिबरेटली लाया है, पालकी वाला को कोट करके भी लाया है। और दूसरा उन्होंने क्या किया है, उस जज ने ये भी कहा है कि रिजर्वेशन जो है कास्टिज्म को रिविटलाइज करता है और कास्ट को कास्ट डिवाइड लाता है। और दूसरा और एक मुद्दा उन्होंने उठाया कि भाई ये लिमिट भी होनी चाहिए, 10 साल के लिए भी रिजर्वेशन होना था, इस तरह का व्हाट्सएप फॉरवर्ड भी उन्होंने कहा पार्टी वाला ने। हाँ हाँ, मतलब उन्होंने ये भी कहा कि वेस्टेज इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। दूसरा कहा कि उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर साहब को गलत कोट किया, गलत कोट किया, 10 साल का पीरियड था। 10 साल का पीरियड हमें मालूम है पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए है, एजुकेशन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं है। लेकिन ये भी मैं बता दूं कि 10 साल जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए है उसके लिए भी वो सजेशन बाबा साहेब की नहीं है। ऐसा है कि जब पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया, हमारा पार्टीशन हो गया, उस वक्त तक तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने सब माइनॉरिटी और शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दिया था। जैसे ही पार्टीशन हुआ तब सरदार वल्लभ पटेल ने माइनॉरिटी में डिसीजन ला के ये कहा कि भाई ये जो रिजर्वेशन और ये सेपरेट इलेक्ट्रेट है इस तरह की डिविजन लाता है, तो हम सारे को रिजर्वेशन ये करें। अच्छा। दोबारा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में लाए और उसको सारा रिलीजियस माइनॉरिटी को विद्रॉ कर दिया, लेकिन वो ये कह रहे थे कि शेड्यूल क्लास के भी लिए रिजर्वेशन मत दो। लेकिन बाबा साहब उसके ऊपर अड़े रहे, उन्होंने कहा कि मैं तो शेड्यूल कास्ट की इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आया हूँ, यदि वो चले जाता है तो आपको मालूम है कि ही थ्रेटन टू रिजाइन कॉन्स्टिट्यूशन। तब ये लोग थोड़े से पीछे आए, उन्होंने कहा ठीक है हम देते हैं रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात हो रही है, हम देते हैं लेकिन 10 साल के लिए देंगे। तो बाबा साहेब ने उसमें एग्री किया, ऐसी बात नहीं है, जो माहौल था उस माहौल में वो कुछ कर नहीं पाए। लेकिन उसकी उनकी राइटिंग में है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए भी उनकी कोई मर्यादा नहीं रखी थी, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के तो है ही नहीं। और दूसरा जो कहते कि भाई रिजर्वेशन जो है कास्ट को रिवेटलाइज करता है, डिवाइड लाता है, तो आज भी लोग कहते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये इशू डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1919 में साउथ बेरो कमीशन को जो मेमोरेंडम दिया, वो पहला मेमोरेंडम है, बहुत ही अहम मेमोरेंडम है। उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, सिर्फ यही मुद्दा जो इन्होंने कहा कि भाई रिजर्वेशन परपेचुएट कास्ट डिवाइड, इसका जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि यहाँ अभी समाज जो है हमारा स्पेशली गांवों में सोशली आइसोलेटेड है, सोशल रिलेशन नहीं है, घर अलग है, तो हमारे समाज में आइसोलेशन है ग्रुप का, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का पर्टिकुलरली। तो उनका कहना है कि यदि रिजर्वेशन हो पॉलिटिकल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में, तो वो रिजर्वेशन क्या करेगा कि लोगों को इकट्ठा लाएगा। अब असेंबली में जो है शेड्यूल कास्ट के भी एमपी बैठ रहे हैं, एमएलए बैठ रहे हैं, हाई कास्ट के भी बैठ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट में शेड्यूल कास्ट के आ रहे हैं, एजुकेशन में आ रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? अहम बात जो हो रही है कि इंटर रिलेशन बढ़ गया, जो आइसोलेट तरीके से रहते हैं वो इकट्ठा आ रहे हैं, इकट्ठा है। दूसरे है, दूसरी बात है कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के ऊपर बाबा साहब ने बहुत जोर दिया है नेशनलिज्म के लिए भी। तो बीप में ये है कि रिजर्वेशन Bring the high caste and low caste together, enable उनका interaction हो जाता है, communication हो जाता है, उससे prejudice दूर हो जाता है, understanding बढ़ती है। और बाबा साहब ने बड़ी जोर दे के कहा कि इसमें
गुडविल पैदा होती है। yes. क्योंकि हायकास को पता चल जाता है कि वाकई भाई शेड्यूलकास्ट का प्रॉब्लम, ट्राइबल का प्रॉब्लम गंभीर है, वैसे पता नहीं चल जाता। अब दोनों इकट्ठा बैठ रहे, इंटरेक्ट कर रहे, तो उससे गुडविल पैदा होती है, डिवाइड नहीं होता। रिजर्वेशन प्रमोट इक्वेलिटी एंड इक्वेलिटी प्रमोट गुडविल कम्युनिकेशन। तो ये जो कहा जा रहा है, एक जज ने जो कहा है, वो मेरा ख्याल है गलत है, प्रेजुडिशियल है। yes. और एक सवाल जो अहम था कि जब जब रिजर्वेशन के लिए बात होती थी, विशेषता जो कम्युनिटीज थी, मराठा हो, जाट हो या पटेल हो, तब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 50% की लिमिट है तो उसे बढ़ाया नहीं जा सकता, और ये भी कहा कि एम्पिरिकल डेटा लाइए आपका। लेकिन जो EWS का जो मैटर है, इसमें सरकार के पास कोई एम्पिरिकल डेटा नहीं था, कितने लोग गरीब हैं, कितने लोगों को रियली नीड है, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने उसे कैसे अपहेल्ड किया? नहीं, उसमें वो जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन का तो एक तरीके से रेडीली अवेलेबल डेटा होता है। उसमें आप यदि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का सर्वे आता है, अच्छा, तो उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को लगभग इनकम ही माना जाता है, उसी के बेसिस को पॉवर्टी एस्टिमेट होती है। तो उस इनकम को आप क्वांटाइल में अरेंज करो, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 40, 40 to 60, तो जो बॉटम 10% है, जो नीचे वाला एकदम, उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लेकिन वो चेंज होते रहता है, कुछ लोग आते कुछ लोग जाते, फिर प्राइसेस की हिसाब से भी वो चेंज होते रहता है। तो वो डेटा लगभग मिल जाता है, कुछ हद अच्छा, कुछ हद तक मिल जाता है, बट वो सबमिट नहीं किया। नहीं, उन्होंने इस्तेमाल किया होगा। अच्छा। उन्होंने वो जो आपने देखा होगा कि जज भट्ट है ना, रविंद्र भट्ट है, उन्होंने उनके अपने इसमें दिया हुआ कि एक सीनो कमेटी थी। हाँ, सीनो कमेटी बनाई गई थी। वो सीनो कमेटी ने, गवर्नमेंट नहीं बनाई थी, मनमोहन सिंह के साथ। हाँ, तो उसने अभी कुछ एडिशनल उसमें इंफॉर्मेशन लाई है। वो लाई है कि नीति आयोग जो है, नीति आयोग ने मल्टी इंडिकेटर डिप्रीवेशन का इंडेक्स बनाया है। अच्छा। जिसमें इनकम भी है, माल न्यूट्रिशन भी है, इलिटरेसी भी है, और उसको फिर उन्होंने वो रैंक किया है सोशल ग्रुप को। ओके, ओके। और इनकम के हिसाब से भी कुछ किया है, स्टेट को भी रैंक किया है। तो ये एक एक्सरसाइज किया है उन्होंने। ओके। उसकी मर्यादाएं हो सकती है, वो बात अलग है, लेकिन कुछ एक्सरसाइज किया है। तो ये जो EWS का अभी जो मैटर आया है, तो बाकी के जो कास्ट ग्रुप है, जैसा मराठा लोग फिर से आरक्षण की मांग करते हैं, पटेल मांगते हैं, जाट मांगते हैं, और कई ऐसे ग्रुप्स है, तो ये सारे के सारे EWS में जाएंगे अभी? नहीं, कास्ट एज ए होल नहीं जाएंगे वो। ये देखो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, हाँ, जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है, उनको छोड़ के जो हायर कास्ट है, हाँ, उनका जो जिनकी इनकम 8 लाख से नीचे है, जिसको हाँ, बॉटम में जो है, और वो बॉटम में होने का इंडिकेटर है 8 लाख का, हाँ, तो उसमें से सिर्फ जिनकी इनकम 8 लाख के नीचे है उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा। उसमें फिर हाई कास्ट ब्राह्मीण भी आएगा, मराठा भी आएगा, जाट भी आएगा, सारे आ जाएंगे, जैन भी आएगा, सिख भी आएगा, सारे आ जाएंगे। अच्छा, अब मेरा अंतिम सवाल ये है कि जिस तरह का ये आपने एनालाइज किया इस सारे फैसले को, और आपने कहा कि ये वैलिड नहीं है, तो अब हमारे आंदोलन की दिशा अब क्या होनी चाहिए? क्योंकि एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काफ़ी बड़ा आघात भी हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में डाइवर्सिटी नहीं होने की वजह से इस तरह के फैसले आते हैं। इस तरह का भी सवाल कई लोग करते हैं कि वहाँ डाइवर्सिटी नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 2 शेड्यूल कास्ट के जज है, एक OBC है, एक मुस्लिम है, उसके बावजूद भी उन्हें इस बेंच में नहीं रखा गया, और सारे हाईकास्ट के जजों ने मिलकर यह फैसला दिया है। तो अब ये जो असर होने वाला है SC ST OBC के ऊपर, तो इसको अभी किस तरह से रेक्टिफाई कर सकते हैं, किस तरह से इसको अभी सुधार सकते हैं? हाँ, एक जो बात है वो समझ लेनी चाहिए, जो मैंने कही नहीं वो कहनी चाहिए, वो ये है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, इनको एक तरीके से इनफॉर्मली रिजर्वेशन न होते हुए भी रिजर्वेशन दिया है। गवर्नमेंट की ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है जिसमें इनकम क्राइटेरिया के साथ आपको शेयर नहीं दिया जा रहा है। कुछ कोई भी ले लीजिए, स्कॉलरशिप ले लीजिए, घर का ले लीजिए, लोअर इनकम ग्रुप के हाउसेस आपको बनाए जा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनके लिए इनफॉर्मल रूप में रिजर्वेशन है। यदि रिजर्वेशन का एक हमने क्राइटेरिया लिया, वो क्राइटेरिया क्या है कि हम ईयर मार्क कर रहे हैं कोटा, तो यहाँ सारा आप पुअर के लिए ईयर मार्क कर रहे हो,
पिछले 50 साल से कर रहे हैं, वो तो एक तरह से इनफॉर्मली रिजर्वेशन गरीबों के लिए है। अभी क्या किया है कि उसको सरकार ने लीगल बनाया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया, ये हुआ है। तो एक तरीके से गरीबों को तो कुछ ना कुछ स्पेस मिलनी चाहिए, इसके सपोर्ट में तो बात हमने करनी चाहिए। लेकिन आपने जो सवाल किया कि इसके जो एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी पे हो, इसको अभी ले आगे रखना चाहिए मुझे लगता है। पहला मुद्दा मैं कहूंगा जो शेड्यूल का ट्राइब ओबीसी लेना चाहिए कि उनको 10% में इंक्लूड करना चाहिए, जो उनके बॉटम इनकम ग्रुप वाले लोग हैं शेड्यूल कास्ट के लोग, ये है शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के, उनको इसमें हिस्सा मिलना चाहिए। यदि रिव्यू पिटीशन हो जाती है तो कुछ हो जाती है, रिव्यू पिटीशन होने वाली है। स्टालिन ने कहा है कि वो पिटीशन करेंगे, फाइल करेंगे, जो सीएम स्टालिन है तमिलनाडु के। तो इसका आधार ये भी है, इसका आधार ये है कि मैंने जैसे कहा आपको कि जो इंडिकेटर है डेवलपमेंट के, बैकवर्डनेस के, जहाँ बैकवर्डनेस है उसमें शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा है, और वो 16% 8% से ऊपर होने की वजह से वो उसको कवर नहीं करता, तो इसलिए उसको इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। दूसरा मैं ये कहता हूँ कि सबसे मतलब एक तरीके से सभी सरकार ने दलितों के साथ शेड्यूल कास्ट के साथ अन्याय किया हुआ है, ओबीसी के साथ अन्याय किया है कि भाई 2008 में आपने प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दिया है, उसको सिर्फ आपको ला ला के इम्प्लीमेंट कर, सरकार ने अवॉइड कर दिया है। तो मेरा ख्याल है उसके लिए स्ट्रगल होना चाहिए। और दूसरी जहां तक कैप की बात है, मेरी अपनी समझ ये है 50% कैप और 10% तो उन्होंने उससे निकाल लिया है, मुझे लगता है कैप नहीं होनी चाहिए। देखिए हमारे कंट्रीज का स्वरूप ऐसे है कि इतने डाइवर्सिफाइड ग्रुप है, ऐसा कोई दुनिया का रिलीजन नहीं जो हमारे यहाँ नहीं है। कास्ट है, इथनिसिटी है, ट्राइबल है, रेस है, नॉर्थ ईस्टर्न के लोग जो लोग हैं जो डिफरेंट है एक तरीके से रेस, डिफरेंट रेस माना जाता है, उनका डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। आपको मालूम है कि बेंगलोर से भी बेचारे वो सारे चले गए थे, फिर उनको वापस लाया, वही दिल्ली की हालत है। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, रीजन का डिस्क्रिमिनेशन है, इतना डिस्क्रिमिनेशन, डाइवर्सिफाइड ग्रुप है जिनका डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ऐसे सूरत में ये सारे ग्रुप को आपने कुछ रिजर्वेशन का जो मैकेनिज्म है उसको इस्तेमाल करके शेयर देना चाहिए, और पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। मतलब मैं ये कहूँ कि हमारे देश की एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेचर, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, जुडिशियरी और भी जो हिस्से पब्लिक डोमेन के हैं, उसमें इन सब का जो शेयर और रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इन अदर वर्ड कि इन सब में इस तरह से शेयर हो कि वो सोसाइटी का आईना बने। जिस तरह से सोसाइटी में है वही पब्लिक स्पीयर में सारा होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि उसमें फिर 50% की लिमिट की कोई ये नहीं है। 50% लिमिट क्या चीज है, वो हमने बनाई है। वो यदि जो डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप है डिफरेंट तरीके से, उनको शेयर देने के लिए वो 50% के ऊपर जाता है तो बिल्कुल जाना चाहिए। पॉजिटिव बात है, झारखंड सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी उस लिमिट को क्रॉस कर लिया है और उन्होंने भी ओबीसी कोटा वहां पे इम्प्लीमेंट किया है। यह बिल्कुल सही है। तमिलनाडु तो आइसोलेशन और डिस्क्रिमिनेशन फील करते हैं, उनके लिए आपको डिफरेंट टाइप की रिजर्वेशन पॉलिसी हो, और वो सरकार के हर एक क्षेत्र में, जुडिशरी हो, पुलिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, लेजिस्लेचर हो, उसमें उनका हिस्सा होना चाहिए। सो दैट the public sphere is a mirror of what yes of the, what is our society yes public sphere jo hai mirror hona chahiye society ka sarkar ye manna hai ews ke sandarbh mein uska kya asar ho sakta hai sst obc ke upar is par challenge bhi ho sakta hai supreme court mein in sare muddon par sir ne vistar se humse baat ki और मुझे उम्मीद है कि इस बातचीत से कई ऐसे नया नए आयाम और नई बातचीत के दरवाजे खुल सकते हैं। सर आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका भी।